अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ESP32 से रिलेटेड, जिसमें कि मैं काफी सारे वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं, जिसमें कि मैंने आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट कैसे समझते हैं, डेटा सेट कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो लास्ट डेटा शीट होने वाला है वो होने वाला है वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। मैंने आपको ESP के डेटा शीट को एनालिसिस करके बताया था, डिजाइन गाइडलाइंस होती है, ESP के ओवरव्यू कैसे लेने, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कैसे सिलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपके साथ ड्राइवर IC के बारे में डिस्कस किया, वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं बात करने वाला हूं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एन वोल्टेज रेगुलेटर IC, क्योंकि किसी भी सर्किट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेट कराने के लिए एक पावर सोर्स। तो हम पावर सोर्स के बारे में बात करेंगे कि पावर सोर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या हमारे ESP के लिए रिक्वायरमेंट है और क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन होगी। हम जो सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट किए थे MS 1717, तो क्या ये MS 1717 जो है ये सुटेबल है फॉर आवर सर्किटरी, फॉर आवर हार्डवेयर डिजाइन, और किसको ऑल्टरनेटिव भी कुछ होगा, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ द कंसेप्ट ऑफ एन स्कीमेटिक डिजाइन। स्कीमेटिक डिजाइन पर चलेंगे और नए वर्जन आ चुका है KiCad का, तो उस पर हम स्विच करेंगे और उस पर ही काम करने वाले हैं। तो नए वर्जन पर भी आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा। वीडियोस को देखते हैं उसमें से 87% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है और मेरे को आगे वीडियो शूट करने का, अच्छे टॉपिक को कवर करने का और प्रेरणा मिलता है, सो दैट कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेकर के आऊं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो है उसको आप तक शेयर करूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हो मेरे को सपोर्ट करना कि मैं आपके लिए बेहतर इंस्ट्रूमेंट वगैरह डिस्कशन करूं, तो डेफिनेटली आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और वैसे आपको यहाँ पर फ्लैश भी हो रहा होगा, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो जाकर के उसको फॉलो कर लो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे से कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट या फिर आपके इंपॉर्टेंट डेटा सीट वगैरह, जैसे अभी मैं जो मैं डेटा सीट ESP का किया, उसका USB ड्राइवर का किया, और आज जो मैं शूट कर रहा हूँ जो वो है वो पावर रेगुलेटर के बारे में, तो इसके लिए भी मैं इसके सारे PDF वगैरह जो होते हैं वो मैं LinkedIn पे पोस्ट करता रहता हूँ। LinkedIn पे भी अप्रॉक्सीमेट 1500 फॉलोअर्स हैं मेरे, तो आप वहाँ पे जाकर के कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो मेरे को। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है कि सर से प्रोफाइल अपडेट करते हैं, हर चीज मैं शेयर करता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अगर आप PCB डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, IoT, पाइथन प्रोग्रामिंग, C++, एम्बेडेड C ऐसे सब्जेक्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने ये सब पॉइंट्स आपके लिए कवर कर रखा था, जैसे कि एंटीना के बारे में, ESP हो गया, USB ड्राइवर हो गए, ये सब सारी पॉइंट्स मैं कवर कर रखा था। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दैट इज़ अबाउट द वोल्टेज रेगुलेटर के IC के बारे में, कि एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेटर IC किस तरह से काम करता है, और स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा सीट है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैं उसके पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग क्वेरी करते हो कि सर इस IC के साथ क्या वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे इस वीडियो में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो ड्राइवर IC के बारे में जो कवर किया था उसमें भी मैंने ये सब पॉइंट्स को रखा था, MCU वाले में भी मैंने ये सब पॉइंट्स को रखा था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि एक डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव क्या होता है, सो दैट कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस रेगुलेटर IC के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आना है अपने टैब में और यहाँ पे सर्च करना है आपको AMS 1717 डेटा सीट। ठीक है, आपको डेटा सीट जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है ये, अगर इन्फिनियो का देखूँ या फिर मैं आप किसी भी कंपनी का देख सकते हो। ठीक है, मैं एक DG की से उठा लेता हूँ एक यहाँ से। ठीक है, डेटा सीट, सो ये ज़्यादा मुझे बेटर ऑप्शन मिले। ठीक है, तो AMS 1717 IC वो बेसिक एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, बेसिक बोलूँ तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एन LDO आप कह सकते हो। ठीक है, जहाँ पे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट रेंजेस मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो LDO का मैंने AMS 1717 IC को पिक कर लिया है यहाँ पे। ये बेसिक 1 एम्पियर LDO है, तो 1 एम्पियर हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें पता हो है कि जब हमारा एक ESP है, ESP32 कंट्रोलर जब Wi-Fi पे ऑपरेट होता है तो लगभग ये 800 mA से लेकर 1.2 एम्पियर तक का ये लोड लेता है। अगर हम IoT प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो मुझे उससे ऊपर का LDO लेकर के चलना पड़ेगा, जो उससे ऊपर आपको वोल्टेज दे सके, मतलब एटलीस्ट 1 एम्पियर तक का मेरे को
कंसिडर करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर तक अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि मेरा 1 एम्पियर तक में काम चल जाएगा, सो दिस LDO इज बेस्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे को 2.5 एम्पियर तक की रिक्वायरमेंट है, तो ये LDO यहाँ पे फेल कर जाएगा, मेरे को एक दूसरे LDO को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को ESP को ऑपरेट कराना है, मेरे को थोड़ा सा हायर, क्योंकि 1 एम्पियर मैं बोल रहा हूँ बट 1 एम्पियर से ज़्यादा भी करंट लेता है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका IoT पे जो काम है, IoT का जो प्रोजेक्ट पे आप डील करने वाले हो, वो फंस जाएगा आपका कहीं ना कहीं मैटर, ठीक है। तो उसमें क्या आप मेजर जो प्रॉब्लम आने वाला है इस LDO के साथ, अगर बोलूँ तो जब आप वाईफाई वगैरह से इंटरफेस करोगे, API पे काम करोगे ना, तो आपको सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर इसको करंट नहीं मिल पाएगा IC को, क्योंकि हम एट द एंड क्या कर रहे हैं, हम इस IC के थ्रू 3v3 को हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ESP को। तो ESP तो चलो लोड ले लेगा जितना उसकी कैपेसिटी है, बट क्या ये जनरेट नहीं कर पाएगा, ये मैक्सिमम 1 एम्पियर देगा। तो ड्यू टू दैट रीज़न मैं क्या करता हूँ, अभी इस वाले को यहाँ पे नेगलेक्ट करके मैं और भी कोई वोल्टेज रेगुलेटर देखता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ LM2596, तो अगर हम देखते हैं LM2596, अगर हम LM2596 वोल्टेज रेगुलेटर देखें यहाँ पे, तो LM2596 वोल्टेज रेगुलेटर भी काफ़ी सही हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार ये TI का है बेसिक, तो TI के वेबसाइट पे आते हैं, तो ये क्या देखो, ये आपका LM2596 सिंपल स्विचर है, ठीक है। सिंपल क्या है, ये स्विचर है, पावर कन्वर्टर, 150 kHz, 3 एम्पियर स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर, यानी क्या है ये बेसिक, आप अगर ध्यान दो तो ये 3 एम्पियर तक आपको ये करंट अप दे सकता है, बट ये स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर है, मतलब इनपुट जो होगा वो मैक्सिमम आपका होने वाला है, जैसे कि 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, बट आउटपुट आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, कम ही वैल्यू मिलेगा। हम उसके बाद आता है न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल, ये सब अवेलेबिलिटी है, बट हम इस कि एक बार स्पेसिफिकेशन को अगर समझते हैं, एक बार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में जा करके, तो क्या ये हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, वो एक बार है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम सप्लाई जो है मैक्सिमम 45 वोल्ट तक दे सकते हैं, मतलब आप समझो ये एज अ बक कन्वर्टर काम करने वाला है, ठीक है, एज अ बक कन्वर्टर ये काम करेगा आपके लिए, तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप 45 वोल्ट तक को DC को ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पे। बाद आप इसमें से आउटपुट वोल्टेज कितना ले सकते हो, तो आउटपुट वोल्टेज टू ग्राउंड स्टडी स्टेट है, जो कि है -0.3 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट, मतलब कि क्या है कि आप इनपुट देने वाले हो, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट अबाउट द 45 वोल्ट, बट जो आपको इनपुट मिलने वाला है, अगर आप 45 वोल्ट इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट आपको मिलेगा 25 वोल्ट यहाँ पे, तो इतना सही है। हम इसमें क्या करेंगे, बाइसिंग वगैरह करके, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ करके हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 3.3 वोल्ट पे, इनपुट दे देंगे 5 वोल्ट पे, वो डिपेंड करेगा आगे सर्किटरी पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम कर जाएगा, बाकी करंट के लिए, करंट कंजप्शन जो था वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे डेटा शीट के ऊपर में ही मार्क किया हुआ है, जो कि है 3 एम्पियर का, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए ओके है। अब यहाँ पे एक बार अगर आप इसके बेसिक ये फीचर और डिस्क्रिप्शन, दो पॉइंट्स आप देख लो, तो इसमें क्या है, एक पॉइंट ये 3v3, उसके बाद 5 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड एडजस्टेबल आउटपुट वर्जन है, मतलब इस रेंज में मैं क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज को वैरी करा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल है जो ये है, ये TO220 और TO6 के पैकेज में ये अवेलेबल है, ठीक है, ये भी मेरे को मिल जाएगा लाइब्रेरी में। 3 एम्पियर ये लोड करंट दे सकता है, इनपुट वोल्टेज अप टू 40 वोल्ट है, ठीक है, ये भी मेरे काम कर जाएगा। उसके बाद एक्सीलेंट लाइन एंड लोड रेगुलेशन, ये भी ठीक है मेरे लिए, ओके है, इतना भी मेरे को उसमें ध्यान देना है। उसके बाद लो पावर स्टैंड बाई मोड है, दैट इज़ अगर मैं लो पावर स्टैंड बाई मोड का मतलब होगा कि अगर इनकेस यहाँ पे अगर पावर सोर्स की बात करता हूँ, तो अगर पावर सोर्स कोई नहीं आ रहा तो 80 माइक्रो एम्पियर के रेंज में ये आपको करंट को सप्लाई देगा फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए देगा, हाई एफिशिएंसी है, ठीक है। अब इसका एक बार अगर मैं बात करता हूँ तो थर्मल शटडाउन करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, करंट से भी प्रोटेक्ट करने वाला है ये। उसका डिस्क्रिप्शन में आप देखो तो LM2596 सीरीज ऑफ रेगुलेटर आर मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट दैट प्रोवाइड एन एक्टिव फंक्शन फॉर अ स्टेप डाउन बक स्विचिंग रेगुलेटर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एज अ बक कन्वर्टर काम कर रहा है, ठीक है, वही है, कैपेबल अ ड्राइविंग, जो ये करेगा वो 3 एम्पियर लोड के लिए कर सकता है। इसमें मैं डिजायर्ड आउटपुट ले सकता हूँ 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। रिक्वायरिंग अ मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट, मतलब क्या है कि एक्सटर्नल कंपोनेंट आपको काफ़ी कम यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिलने वाले, बहुत ज़्यादा आपको एक्सटर्नल कंपोनेंट यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये इसकी बेसिक सर्किटरी है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 12 वोल्ट आपने आउटपुट इनपुट दिया है, एक कैपेसिटर लगाया है कि जो 12 वोल्ट
इनपुट आ रहा है वो प्रॉपर है, क्योंकि अनरेगुलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है दैट इज अनर, ये जो आप इस एक एरिया देख रहे हो 12 वोल्ट इनपुट दैट इज अनरेगुलेटेड, मतलब क्या कुछ नॉइज वगैरह आएगा उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक डी कैप लगा दिया गया है, डी कैप जो कि है 680 माइक्रोफेराड का, यही सेम कैपेसिटर मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए ठीक है ये ग्राउंड कर दिया गया, पिन नंबर 3 पिन नंबर 5 को ग्राउंड कर दिया गया है, जो कि बेसिक क्या कर रहा है ESD के प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है कि इनकेस अगर कोई सर्ज आता है, कोई करंट आ जाता है आउटपुट की साइड से, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट कर लेगा आपका जो आगे का सर्किटरी होगा वो डैमेज नहीं होगा। फीडबैक यहाँ पे दिया है और एक दिया है 33 मिली हेनरी का, सॉरी माइक्रो हेनरी का बेसिक इंडक्टर एक लगाया गया है, और आउटपुट में भी क्या किया गया है कि जो अब क्योंकि इंडक्टर लगाया तो कुछ ना कुछ वहाँ पे नॉइज आने वाला है, बट इन नॉइज अगर आ रहा है तो उस नॉइज को कम करने के लिए बेसिक यहाँ पे क्या किया गया है एक डी कैप्स अगेन लगा दिया गया है कि जो भी नॉइज होंगे उसको मिनिमम करके एक स्टेबल वोल्टेज देगा 5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये था अनरेगुलेटेड, बट यहाँ पे कैपेसिटर मैंने लगाया इस आईसी पे रेगुलेटेड ही वोल्टेज आपके आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर लगा दिया गया है। बाहर से मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, बाहर से इनपुट सोर्स क्या है वो मुझे पता नहीं। मैं इस सर्किट को एनालिसिस अगर करूँ तो इस सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक डीकैप्स लगाया है कि मेरा जो वोल्टेज है 12 वोल्ट जो मैंने आईसी को डिज़ाइन करने के लिए रखा है वो प्रॉपर इसको मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद फीडबैक की जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में भी डी कैप लगाया गया है कि अगर इनकेस इंडक्टर वगैरह की वजह से कोई सर्ज आया तो आपका आगे का भी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे डी कैप लगाने का पर्पस ये है कि दोनों साइड मुझे पता नहीं है कि इनपुट 12 वोल्ट जो आ रहा है वो किस तरह का, उसमें नॉइज़ है, फ्रीक्वेंसी है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, या आउटपुट 5 वोल्ट का है वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए दोनों साइड से मैंने क्या किया है अपने आईसी को स्टेबल करने के लिए बेसिक यहाँ पे डीकपलिंग कैपेसिटर को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये है रेगुलेटेड आउटपुट आ गया विद 3 एम्पियर आपका लोड। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है मेरे लिए वो आपको पैकेज मैंने बता दिया था, वो यहाँ पे आपके पैकेज भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये दो पैकेज हैं आपके TO220 एंड TO263, 5 पिन की आपकी आईसी है। 5 पिन में पिन नंबर 1 पे आपको इनपुट वोल्टेज देना है, पिन नंबर 3-5 को ग्राउंड कर देना है, 2 से आपके कुछ कंपोनेंट्स होंगे और 5-4 नंबर पिन को आपको जस्ट फीडबैक यूज़ करना है। तो मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ मैं LM2596। ठीक है, LM2596 ADJ। Why ADJ? ADJ is for adjustable। मैं इनपुट के अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया बेसिक यहाँ पे। ये इसके पिन नंबर है वगैरह है कैसे आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लो, पिन नंबर के 1 क्या है आपको वीन है, आउटपुट है ग्राउंड है, फीडबैक ऑन ऑफ है, ये चीज़ें जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है उसी का डिस्क्रिप्शन है बेसिक यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, वैल्यू जो इम्पॉर्टेंट है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब हमारा PCB आएगा वहाँ पे सोल्डर करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि किस वैल्यू का लगना है, क्योंकि पैकेज ऑलमोस्ट आपके सिमिलर होते हैं कंपोनेंट्स की वैल्यू पे। ठीक है, तो जस्ट फॉर दैट रीज़न कि मैं उसे भी कंसीडर नहीं करने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या वैल्यूज होने वाली है एडजस्टेबल में, तो जस्ट मैंने ये फाइनल कर लिया अपना। तो डेटा सेट में और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको नीचे यहाँ पे वो मिल जाएंगे देखने के लिए कि इसके लेआउट वगैरह कैसे होंगे। LM फिक्स आउटपुट सीरीज बक कन्वर्टर देखो यहाँ पे है, रेगुलेटेड आपको लेना है तो इसके लिए जो कुछ फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू है इसे सब चीज़ें, ये वोल्टेज पैरामीटर के 3 वोल्टेज और करंट के लिए है कि कैसे आपको डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है। तो बाकी ये डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करने वाला हूँ, सो दैट कि अगर आप डिज़ाइन से रिलेटेड इंटरेस्ट हो तो मेरे को लिंक्डइन पे जाकर के फॉलो कर लो, सत्यमराज सिन्हा के नाम से मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब आपको पेज भी मिल जाएगा तो उसे भी शेयर करना, बट सत्यमराज सिन्हा का जो प्रोफाइल है उस पर जाकर के फॉलो करके रखना, और आप मेरे पोस्ट में जाकर के देखना आपको वहाँ पे चीज़ें ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या चाहिए, लोड करंट क्या होना चाहिए, इनपुट करंट, इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी जो अभी ऊपर थी कैपेसिटर की, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जब आप डॉक्यूमेंट को स्टडी करोगे। बट मेरा मेन एम है कि आपको ये समझाना कि आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझते हो कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो वो काम मेरा है। बाकी इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स को 47 पेज के डॉक्यूमेंट्स है, वो चीज़ें मैं आपके साथ इतना लंबे टाइम तक डील नहीं कर सकते, क्योंकि 47 पेज का मतलब है कि लगभग मेरे को 1 घंटे आपके साथ पूरा डिस्कस करना पड़ेगा इस डेटा शीट को। तो थोड़ा सा आप हैबिट डालो इस डेटा शीट को एनालिसिस करने का, सो दैट कि आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। अब देखो उसी तरह से फिर यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला दिया गया कि आपको आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए, 3.3 वोल्टेज चाहिए, रेफरेंस वोल्टेज आपको 5 देना है, 5 दे लो, और R2/R1 वोल्टेज रेगुलेटर का ये फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट आपको 1.3 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और भी आपके सर्किटरी यहाँ पे आप देखोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस सर्किटरी का क्या पर्पस है, बट जैसे जैसे मैं स्कीमेटिक डिज़ाइन करूँगा तो वो भी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है लेआउट एग्जांपल। लेआउट एग्जांपल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब कंपोनेंट को प्लेस करते हो अपने पीसीबी में तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आपको कंपोनेंट को प्लेस कहाँ पे करना है। तो ये
पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बोलूँगा, हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इस पार्ट पे ध्यान दो कंपोनेंट का प्लेसमेंट पे, क्योंकि पावर सेक्शन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। जब आप पावर और को और जब आप अपने सिग्नल्स को मर्ज करते हो, तो कोशिश करो कि कभी भी पावर और सिग्नल आसपास ना हो। तो ये डिज़ाइन गाइडलाइन यही चीज़ों को आपको काफ़ी ज़्यादा एज अ रेफरेंस काम करता है कि आपको कैसे कंपोनेंट को प्लेस करना है। ठीक है, डिटेल है, बेसिक मैकेनिकल डिटेल है। तो आप अगर ये काम आएगा जब आप खुद से फुटप्रिंट वगैरह को क्रिएट करते हो, तो ये डेफिनेटली काम आएगा। मैं फुटप्रिंट पे भी एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ कि कैसे वीडियो फुटप्रिंट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और यूट्यूब, अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्कीमेटिक डिजाइन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।